अरे बेब 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 पग फेरे ससुराल मायके इन सब के चक्कर में पड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी बेब। मैं तुम्हें अपने डैड से अभी नहीं मिला सकता। क्यों? वरना वो मुझे गोली मार देंगे। आई टू अंडरस्टैंड बेब, समझा करो। मेरे डैड का गुस्सा बहुत खतरनाक है। उनका गुस्सा एकदम शांत हो गया ना, फिर मैं तुम्हें मिलाने ले जाऊंगा। ओके? नो 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 बेबी, मेरे घर जाना तो और भी बड़ा रिस्क है। मेरे घर वाले ना तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे, तुम्हारी जान के पिटाई करेंगे। बेबी वो तुम्हें लड़की याद है, शॉर्ट हेयर वाली, वो ड्राइवर की बेटी? वो ना मेरी फैमिली के लिए गुंडागर्दी का काम करती है। वो मेरी फैमिली के एक इशारे पे तो ऐसे पकड़ेगी और तुम्हारी धुलाई करेगी बेबी, तुम्हारा फेस खराब हो जाएगा बेबी, इमेजिन। समझ गया बेब, समझ गया। एक काम करते हैं, कुछ दिन ना हम दोनों किसी के घर नहीं जाते हैं। कहाँ जाएंगे? होटल चलते हैं ना, होटल। जब तक घर वाले मान नहीं जाते ना, हम होटल चलते हैं। होटल में? हाँ होटल में। ओके बेबी, आई लव यू। आई लव यू टू। वाह कुणाल, आइडिया है कमाल। कुछ दिन की बात है, उसके बाद तो इसके नोटों की गड्डियां, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, लाइफ सेट है। कुछ ही दिन की बात है मानुषी, फिर तो अमीर ससुराल। बस वो लेटर सबको मिल गया हो। अनुभा, यो चिट्ठी जैसी लग रही। चिट्ठी किसकी है? पढ़। कहीं मनुष्य की? मालूम तो पढ़े कित गई है। मेरी प्यारी बहन, मनुष्य की चिट्ठी है मीत के लिए। मैं जा रही हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरे जाने के बाद दादी और मम्मी मुझसे बहुत नाराज होंगे, मुझे बुरा समझेंगे, धोखेबाज कहेंगे। लेकिन किसी के कहने की मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ तो मेरे दूल्हे से प्यार करने लगी है। क्यों क्यों क्या कह रही है? आगे बढ़। और तेरे खुशियों के लिए मैं अपने ऊपर सारा इल्जाम लेने को तैयार हूँ। घर छोड़ रही हूँ ताकि मेरी छोटी बहन की एक प्यारी से दुनिया बस जाए। आगे पढ़ अनुभा, आगे पढ़। तन्ने मेरी कसम, आगे पढ़। सबको लगेगा मैं भाग गई, लेकिन तुझ पर किसी को शक नहीं होगा। तूने हम सबके लिए बहुत कुछ किया है, आज पहली बार मैं तेरे लिए कुछ कर पाई। सुन, कितना भी हंगामा हो घबराना नहीं, मेरे मंगेतर से शादी कर लेना, वरना मेरा त्याग बर्बाद हो जाएगा। खुश रह तेरी बहन मनुष्य। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? हो सकता है? मैंने कैसे भरोसा कर लिया? अरे मैंने उसे माफ कर दिया था, अरे मेरी आंखों पे चश्मा लग गया था। मैंने कैसे समझ ना आई, ये तो पैदा ही हुई है सब बर्बाद करने के लिए। अरे क्यों सचना है? पैदा होते ही अपने पोते को खा गई और आज अपनी बहन का स्वाद, उसका हक। अच्छा सुन, पंखे का कैपेसिटर ना फिर से बोल गया है। पुनिया को बोलियो कि आकर ना कैपेसिटर चेंज कर दे, सिर्फ कॉइल चेंज करने थे, कुछ ना होगा। शादी करने का प्लान ना था दूर दूर तक। दुनिया में तूफान और जिंदगी के प्लान कब बदल जावे ना कुछ पता ही ना चलता। इतने लोगों का हिसाब करना बाकी है। अच्छा सुनो, मम्मी के हाथ में ना पैसे दे रखे हैं मन्ने, तो तुम दोनों अपने सामने सारा हिसाब किताब ना ठीक से करवा लेना, मम्मी ना भूल जाती है। और सुबह दूध और सब्जी ये आदतें ला के दे देना, और दादी के फूल पूजा वाले वो लाना मत भूलना। और क्या?
क्या करना था? अरे हाँ सुन, एक और बात बहुत जरूरी है। यो ना, यो दादी के दवाई का डब्बा है, और यो दोनों ना दादी के दवाई के पत्ते हैं। हर 15 दिन में याद थे ये दवाइयां ला करना है, इसमें रख देना, ठीक है? भूलना नहीं, एक दिन की भी ना दवाई मिस ना होनी चाहिए, नहीं तो खामा का दादी का बीपी बढ़ेगा और फिर गुस्से से उबलती रहेगी वो। वैसे गुस्सा तो मेरे पर ही करती थी, तो मैं ही ना रहूंगी तो गुस्सा किस पे करेगी? चलो बेटा, अब टाइम हो गया जाने का। मित्र, चलो बेटा। दीप बेटा। जी अंकल। गाड़ी तू चला लेगा? हाँ अंकल जी। बैठ जा बैठ। ईशा बेटा। हाँ। तू भी इसी गाड़ी में बैठ जा, हाँ? और भाई और भाभी का ख्याल रखना, हाँ? मैं आगे वाली गाड़ी से आऊंगा। चल बेटा। मेरी बच्ची मी। अनुभा जी, मायके वाला प्यार शायद ससुराल में कोई ना दे पाए, लेकिन एक बात का वादा आपसे करता हूं, आपकी बच्ची को मैं अपनी बच्ची की तरह रखूंगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा, चलता हूं। अरे साले साहब। जीजू। ये क्या दिल वाला तकिया? पर ये तो लड़कियों का बात है ना, तुम्हारे चाहे उसको क्या हो गया? जीजू मेरे लिए नहीं है, मेरी मून चैन के लिए, ताकि विदाई के बाद जब हम लोग चंडीगढ़ लौट रहे हो ना, मैं नहीं चाहता उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो। नॉटी बॉय, ओ माय गॉड, अभी से गया काम से? यार चंडीगढ़ के लिए लेफ्ट लो या राइट? राइट। लेफ्ट। राइट ले, मेरा रोज का आना जाना है। रोज का आना जाना दोपहर में होगा, रात में उस रस्ते पे काम चलता है, खुदाई का रिपेयर हो रहा है। आई थिंक शी इज राइट। तो पूछ क्यों रहा है भाई? सही बोल रही है, मैप में भी रोड ब्लॉक दिखा रहा है। यार जिसे जहां से लेना है प्लीज जल्दी लो।
क्या हुआ यार, पिकअप नहीं ले रही गाड़ी। एक मिनट देखता हूं मैं, रुक जा। दीप क्या हुआ यार? वो यार वीरा कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मैकेनिक बुलाना पड़ेगा लगता है। क्या कर रही हो? जो तू कर रहा है, बाहर देख रही थी। मैं ट्राई करूंगी। सुनो मेरी बात, कोई बीमारी है क्या? आराम से नहीं बैठ सकती, हर चीज में अपनी नाक घुसानी जरूरी है तुम्हें? सुपरमैन हो तुम, आराम से बैठ जाओ यहाँ चुपचाप। डैड को फोन लगाता हूँ। हेलो, हेलो डैड, डैड। हाँ बेटा। डैड हमारी गाड़ी खराब हो गई है हाईवे पे। ठीक है, हम वापस आ रहे हैं। जी। आराम से भाभी। क्या भाभी? मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम गाड़ी स्टार्ट और बंद करने में ना बहुत बड़ी एक्सपर्ट होगी। ज्यादा मैकेनिक बनने की जरूरत नहीं है। डैड आ रहे हैं। आ रहे अंकल? हाँ डैड आ रहे। क्या कर रही हो? आ रहे हैं ना डैड? आहा, ओ भाई के हाल चाल से। फोन करके मना कर दे, गाड़ी ठीक हो गई है। ठीक हो गई गाड़ी? ओए वीरे, ओए गाड़ी चालू हो गई यार। भाभी जी, भाभी जी शांत हो जाइए और ये आरती की रस्म कीजिए। रागनी, तुम भी इसके साथ देना वहां पर। होते हुए हुआ कैसे रागिनी? तेरे होते ये हुआ कैसे? ये शादी तूने होने कैसे दी रागिनी? कोई मुझे बताएगा क्या? तू था ना वहां पे? तूने ये शादी रोकी क्यों नहीं रहा? सब में से किसी ने मुझे फोन क्यों नहीं किया जब ये सब हो रहा था? तो इतना बड़ा कांड हो गया और तुम लोग ने जरूरत नहीं समझी मुझे बताने की। अगर मैं वहां पर होती ना तो ये लड़की यहाँ पर आज कभी नहीं होती। मैं ये शादी नहीं होने देती। मैं यहाँ पर दुल्हन का वेट कर रही हूँ, अपनी बहू का वेट कर रही हूँ और वहां पे दुल्हन बदल गई। पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मेरे बेटे की एक गलत फैसला। ये लड़की मेरी बहू नहीं है। लड़की को लाने का फैसला मेरा नहीं था। इसकी आरती, इसकी रीति रिवाज, रस्म जो करना है तुम सब करो। मुझसे किसी से कोई मतलब नहीं है। दो मिनट। नहीं राज, नहीं ऐसे नहीं राज। इनका गुस्सा करना गलत तो नहीं?
जैसे वो किरणों ने सपने देखे थे वैसे तो बिल्कुल भी ना। दीदी तेरे एक गलत फैसले ने सबका दिल दुखा दिया। अभिता जी आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए आपने हमेशा मुझ पे भरोसा किया है और मैंने भी आज तक कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे हमारे घर का या घर के किसी सदस्य का बुरा हो, और इसी भरोसे पे तो मैंने इतना बड़ा स्टेप उठाया है, ये इतना बड़ा डिसीजन लिया है। यकीन मानिए बबीता जी, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे उसी समय यह डिसीजन लेना पड़ा, और आपसे छुपाने का तो कोई इरादा ही नहीं था। अच्छा मैं क्या करता? हमारा बेटा मंडप में बैठा हुआ था, तब जाके पता चला कि मानुषी बिना बताए कहीं चली गई है। मैं क्या करता बताइए? बेटे से कहता कि उठो मंडप से, बारात को खाली हाथ वापस ले आता। फिर अचानक मुझे मीत दिखाई थी तो मैंने गुरुजी से कहा कि इसकी कुंडली मैच करके देखी, तब पता चला कि जब उन्होंने हमें पहली बार जो कुंडली दी थी वो तो मानुषी की थी ही नहीं, वो तो उनकी छोटी बेटी मीत की कुंडली थी। तब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ क्योंकि मुझे आपकी बात याद आई, आपने कहा था ना कि हम अपने बेटे की शादी वहां करेंगे जिससे उसकी कुंडली मैच होगी। मैं अपने छोटे बेटे की शादी तो उसकी कुंडली गुण दोष इस सब अच्छे से मिलाऊंगी तभी शादी करूंगी। और बबीता जी कमाल की बात यह है कि इन दोनों के 36 के 36 गुण मिलते हैं। बबीता जी यकीन मानिए मीत बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की? अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये लड़की मानुषी की बहन है, मैं मानुषी को भी रिजेक्ट कर देती, इस खानदान से रिश्ता ही नहीं रखती मैं। बहुत बड़ा धोखा दे दिया हुडा फैमिली ने, बहुत बड़ा धोखा। ये लड़की अच्छी लड़की नहीं है राज, ये बहुत ही बदतमीज आवारा लड़की है, और ऐसी लड़की को आपने मेरे बेटे के गले बांध दिया। चक्कर देखी है इस लड़की की आपने? बबीता जी मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिल को ठेस पहुँची है, लेकिन किसी इंसान का सिर्फ चेहरा देखकर उसके बारे में जज नहीं कर सकते। उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी क्या नेचर है, उसकी क्या सोच है, उसके माँ बाप ने उसे किस तरह के संस्कार दिए, ये सब भी तो देखना पड़ता है। देखिए आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, ये बच्ची बहुत टैलेंटेड है। टैलेंटेड? उस लड़की का टैलेंट का नमूना तो मैं बहुत अच्छे से देख चुकी हूँ। आपका टैलेंट मैं पहली बार देख रही, क्योंकि आपने मेरे बेटे मीत की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला और उसकी मां से ही सलाह लेना जरूरी नहीं समझा आपने। किस एक्सक्लूसिव डिजाइनर से जोड़ा तैयार करवाया है? वैसे बबीता तुम्हारी एक भविष्यवाणी तो एकदम सही हो गई, वो तुम कहती थी ना कि मेरी प्यारी बहू आएगी तो सारी दुनिया देखेगी, वैसे कहाँ से लाई ये डायमंड? अरे डायमंड नहीं, कोहिनूर। चाची जी और कितना वक्त लगेगा ये सारी रस्में खत्म होने? बस मीत बहू वो कलश मंदिर तक ले जाए, वहां पर एक पूजा होगी बस। सुने ना पापी जी ने जो बहू के लिए कलश बनाया था वो लेकर आओ। जी चाची। सुने ना भाभी कभी तो अक्कल से काम ले लिया करो, ये छोटा वाला कलश मॉम उस नाजुक वाली बहू के लिए लाई थी। वैसे ही उनके अरमानों पर कम पानी फिरा है जो अब आप ये कलश देकर उनका दिल और दुखाएंगे, और वैसे भी उसने तो मेरे भाई को गिनने से बचाया है, तो एक ट्रेडिशनल कलश उठाना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है।
श्याम सुनो, ऊपर वो जो बड़ा वाला कलश पड़ा है उसे नीचे लेके आओ और उसमें पानी भर के लाना। मासूम, तुम क्यों कर रही हो सब? तुम्हारी मॉम ने जो अरेंजमेंट कर रखा है उसको वैसे ही रहने दो। मासूम सही कह रही है, जब रिवाज के हिसाब से मुझे बहू का स्वागत करना पड़ा तो अब बाकी रस्में भी रिवाज के हिसाब से ही होनी चाहिए। मासूम जी, ये तो बहुत भारी है, आप खुद ही देखिए ना, दो लोगों ने मिलकर इसे उठाया, मीत कैसे उठाएगी इतना वजन? क्यों नहीं उठा सकती? उसकी माँ तो कह रही थी कि उसके घर में सारी भारी जिम्मेदारियों का बोझ वो ही उठाती थी, तो क्या इस घर की रस्मों के लिए एक ट्रेडिशनल कलश नहीं उठा सकती वो? मासूम जी, ऑफकोर्स उठा सकती है, ये बहुत रिस्की है मासूम, ये हांडा बहुत भारी है, अगर इसे उठाया तो हो सकता है कि बहू की गर्दन में मोच आ जाए, नस खिंच जाए या फिर स्लिप डिस्क, मतलब कुछ भी हो सकता है। बहू इतना भारी वजन नहीं उठाएगी। तो ना करे ना रस, रहने दे। वैसे भी जब से इनके यहाँ शादी तय हुई है ये लोग अपनी तो मनमानियां कर रहे हैं, आज भी कर ले। मैं उठा लूंगी जी। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, उसके सर पे जाके कलश रख दो। कहा डुगू ने, बबीता के घर बहु प्रवेश नहीं उस्ताद का प्रवेश हुआ है। उस्ताद
तक कितनी भी बड़ी मुसीबत आई, मैं कभी घबराई ना पापा। कोई भी मुसीबत आती थी तो आपने याद कर लेती थी और सोचती थी कि आप होते तो क्या करते, और बस फिर भिड़ जाती थी। आज जिंदगी ने यो जो चुनौती परोस दी है ना मेरे सामने, समझ ही ना आ रहा कि क्या करूं, कैसे निपटू इन सबसे। मनु दीदी की शिकायत ना कर रही आपसे, पर नाराज हूं उसके स्वार्थ के कारण। एक ने तो दो परिवारों में मायूसी छा गई है। मन्ने ना पता कि मेरा यहां होना सही है कि गलत। पर आप तो सब जानते हैं, आपने ही तो सब कुछ लिखा है ना भगवान जी, कि भगवान कभी गलत ना होते। एकदम से मेरी किस्मत की पलटी मार कर मन्ने यहां भेज करना आपने सही ना किया। क्यों मेरी कहानी ना थी जिसमें जबरदस्ती आपने मन्ने घुसा दिया, सही ना किया। I'm sorry, मीत, तो इस लड़की को डिजर्व नहीं करता, बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करता है तू, बहुत अच्छी। माफ कर दे मुझे, मैं हार गई। मैं आपको वहां होना चाहिए था मां, आपको वहां होना चाहिए। कहाँ रह गई? तेरा फोन कब से बज रहा है? आज काम पे ना जाना के? छोरी उठी ना आप तो के? मीत, ओ मीत, मम्मी। गुड मॉर्निंग मीत। गुड मॉर्निंग जी। सुनो, तुम अपने रूम में जाकर फैशन अप हो जाओ, शादी के बाद की रस्में भी शुरू करनी है ना। श्याम भैया, छोटी भाभी को ऊपर उनके कमरे तक ले जाओ। आइए। मैं आती हूँ। जी, छोटी भाभी को उनके कमरे तक छोड़ने। वो अपना कमरा खुद ढूंढ लेगी, तुम मेडिकल स्टोर जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, दवाई लेके आओ। जी ले आता हूँ, पर छोटी भाभी को उनके कमरे तक छोड़ दो। अब भी जाओ। अब जाइए। आपके बालों के लिए इसे स्ट्रेट करना है ना। इतने बाल थोड़े हैं कि सीधे करके एकदम हीरोइन नहीं बन जाऊंगी मैं। नहीं, एक मिनट, ये रहने दीजिए, आप मेकअप करिए। जी मैम। इतना सारा कुछ क्यों भाई? मैम ये सब आपके फेस के लिए। मैम आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। इतना सारा कुछ, ये देखिए। अच्छा लगा? सबसे पहले ना आपका आईब्रो करते हूँ। यहाँ पे हाथ रखिए, हाथ पे इधर साइड।
कभी ना, ना 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 मेरे तो यू ना हो पाएगा। आप ना आप अपने सारे सामान का बुरिया बिस्तर लपेटिए और जाइए यहाँ से। सॉरी यहाँ, थैंक यू चाची जी। आप प्लीज यू ना समझना कि मैं मना कर रही हूँ, पर यू मेरे तो ना हो पाएगा। मैंने ना पहले कभी मेकअप ना कराया, आप यू समझ लो कि मेरे प्राण ना मुंह को आ गए हैं। अगर किसी की मदद करनी होती, कोई खेल कूद होता, उसमें दर्द सहना होता ना, तो इतनी सी भी दिक्कत ना होती मन में। पर सिर्फ सुंदर दिखने के लिए यो सब ना चाची जी, मेरे तो ना होगा। मैं जैसे होना मैं ठीक हूँ। सॉरी प्लीज। ठीक है, आप प्लीज जाइए। थैंक यू जी। और आज सबके सामने मैं अपना मजाक बनाऊंगी, और वो मजाक मेरा सिर्फ आपकी वजह से बनेगा, सिर्फ आपकी वजह से। बबीता जी, आप अपना मजाक बनाएंगी अगर इस रिश्ते को आप बेइज्जती समझ के सामने वाले को हक देंगी अपना मजाक उड़ाने का। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी नजरों से अपनी बहू को देख कर देखिए। जिसे आप अपना अपमान समझ रही है ना, उसे आप अपना सम्मान, अपना गर्व समझेंगी। उसके दिल की खूबसूरती को देखिए, तो फिर आपके पास अपमानित होने का कोई कारण ही नहीं होगा। और बहू ही क्या, ये कपड़े पहन के जो आपको छोटापन महसूस हो रहा है ना, ये तो हमारा ट्रेडिशन है। और अपनी इस बात को मजाक से जोड़कर आप हमारे ट्रेडिशन का, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ा रही हैं, और ये गलत बात है बबीता जी। दिस इज नॉट राइट। और एक बात मैं आपको बता दूं जो आपको पता नहीं है, हमारी जो बहू है ना, वो करती आई है जो हमारे बेटे ने आज तक नहीं किया। वो अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अकेले उठाती है, और इसके लिए उसने कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। और ये बहुत बड़ी बात है। होगी बड़ी बात, होगी ये जिम्मेदार लड़की, होगी ये आपके लिए बहुत ही कमाल लड़की, लेकिन मेरे लिए मेरे और मेरे बेटे के सपनों की टूटने की आवाज है। आज आपके फैसले की वजह से मेरी बात कटी। ये जो बहू का नाम का मजाक लेकर आए हैं ना इस घर में, ये मजाक मेरे दोस्तों ने देखा है। हंस रही थी वो मेरे ऊपर, और उनकी हंसी की आवाज ना मेरे कानों में गूंज रही है। मैं बहुत बड़ी शर्त हार रही हूँ, आपको आइडिया भी है इस बात का। और अब मुझे इस चैलेंज को पूरा करना है। आपने जो करना था वो तो आपने कर दिया, लेकिन आपके किए का जो अंजाम है ना, वो मुझे भुगतना। हम अपनी बात सुन, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे 10 मिनट का वक्त दीजिए। कुछ नहीं हुआ। जी जरूर, चलो बेटी। हाँ जी आइए। पता है नेहा कल गृह प्रवेश के टाइम यही थी। रियली? हाँ बता रही थी, यहाँ बहुत ड्रामा हुआ था। ओ माय गॉड, आई मिस्ड यार। जिस लड़की से बबीता मीत की शादी करना चाहती थी ना, उससे तो हुई नहीं, बल्कि किसी नमूनी से हुई है। ओ माय गॉड, रियली? और क्या? मैं तो वो शर्त भूली नहीं, तो बबीता का डांस आज तो बबीता की अकड़ की धज्जियां उड़ने का मजा ही कुछ और है देखने में, है ना? सही कहा। मैं तो रिकॉर्ड करके वीडियो वायरल कर दूंगी। ओह माय गॉड, वाओ, गुड आइडिया। दुल्हन तो आ गई, मगर दुल्हन की सास कहाँ गई? अरे आ जाएगी, आ जाएगी।
कहा जाएगी जाट की ड्रेस पहनने में थोड़ा तो वक्त लगता है ना, और वैसे भी मुझे तो बस उसी वक्त का इंतजार है जब बबीता की बहू का चेहरा दिखेगा और उसकी ऊंची गर्दन नीची हो जाएगी और उसकी नाक जमीन पर रगड़ रही होगी। मॉम, इन्होंने अपना फेस ऐसे कवर क्यों कर रखा है? पता नहीं बेटा। सुनना, थोड़ा सा घूंघट सरका लूंगी, मन ने ना घुटन हो रही है, सांस ही ना ली जा रही। तो मर जाओ उसी घूंघट के अंदर, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए अपना घूंघट मत उठाना, चुपचाप बैठी रहो, कोई बोले अगर घूंघट उठाने के लिए तो मत उठाना। मुझसे और वेट नहीं किया जा रहा है, बबीता आए ना आए मैं तो ये मुंह दिखाई की रसम शुरू करने जा रही हूँ। ठीक है, चलिए चलो। इस तोड़ू राम ने मन्ने कहाँ फंसा दिया? बहू घूंघट उठाओ, हम कब से तुम्हें देखने के लिए बेताब हैं। कमाल है, फंक्शन बहू की मुंह दिखाई का है और बहू है कि ना बोल रही है, और यहाँ जितने भी लोग हैं तुम्हारा मुंह देखने के लिए आए हैं, तो चलो घूंघट उठाओ। आंटी जी, वो थोड़ा शर्मा रही है, आप थोड़ा सा कंफर्टेबल होने दीजिए तो थोड़ी देर में वो, या हम ये रसम बिना घूंघट उठाए भी तो कर सकते हैं। सच में इनके परिवार और इनकी बातें दुनिया से अलग ही होती हैं। बेटा, मुंह दिखाई की रसम में अगर बहू का मुंह ही नहीं देखेंगे तो रसम कैसे पूरी होगी? बहू, बेटा बुरा मत मानना, पर बबीता बहुत ही बदतमीज किस्म की बहू लेकर आई है। बहू, मुंह दिखाई की रस्म है बेटा, ऐसे शर्माते नहीं है, सब लोग तुम्हें देखने आए ना, घूंघट उठाओ। मीत पुत्र, मुंह दिखाई की रस्म है, मुंह तो दिखाना ही पड़ता है ना, सब बातें करेंगे और तुम्हें कुछ कहना मतलब अलावत परिवार की इंसल्ट, समझ रही हो ना? नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ये मुंह दिखाई की रस्म है पुत्र, घूंघट तो हटाना ही पड़ेगा ना। बबीता जी, अगर आप इस ड्रेस को ग्रेसफुली रहेंगी ना तो ये आपको बहुत खुशी देगी, ह्यूमिलिएशन नहीं। अरे मेरे कितने सारे सेलिब्रिटी दोस्त हैं जो बड़े बड़े इवेंट्स में ये ड्रेस पहनते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस, और उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है। बात ट्रेडिशनल कपड़ों को पहनने की नहीं है राज, आप बात को समझ नहीं रहे कि समझना चाहते नहीं है। कितनी अजीब बात है ना राज, आज से पहले अगर जरा सी बात पर भी मेरा मूड खराब हो जाता था तो आप पूरे घर को अपने सर पर उठा लेते थे, लेकिन आज जब सबके सामने मेरा मजाक बनने वाला है आपको नजर ही नहीं आ रहा, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं किस बात से इफेक्ट हो रही हूं।
अपना मुंह तो ना दिखा सकती, कमरे में चली जाती हूँ। बबीता ने कहा था मेरी बहू 19 नहीं 20 होगी। अरे 19 क्या, ये तो एक भी नहीं है। मॉम प्लीज जूस तो पी लीजिए। मॉम चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल लेके चला जाएगा तो कुछ बिगड़ ना जाएगा। मॉम थैंक गॉड आपका हार्ट, आपका लिवर, आपकी किडनी, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर, आपका ब्रेन, एवरीथिंग इज फाइन, ऑल गुड, ऑल राइट। और मन भाई, मन को काउंट करना भूल गया? नीचे जो मॉम की इतनी ह्यूमिलिएशन हुई है, मॉम के मन को कितना दुख हुआ है। बॉडी फंक्शंस ही सब कुछ होते हैं क्या? हाँ, इमोशनल डैमेज कुछ नहीं होता? आज के बाद ना मैं अपने सोशल सर्कल में कभी किसी को फेस नहीं कर पाऊंगी। हर इंसान की अपनी पहचान होती है और किसी के कुछ भी कह देने देना वो पहचान मिट ना जाती। मॉम इधर आओ। कम ऑन मॉम यार। अच्छा ठीक है चल, मुझे एक बात बताइए, हर इंसान की जिंदगी में अपनी एक पहचान होती है। क्या उस पहचान पर उंगली उठाने से या उस पे कुछ कहने से वो पहचान मिट जाती? गिरधर को बांसुरी वाला कहने से भगवान छोटे ना हो जाते? गिरधर को भी बांसुरी वाला कहा जाता है तो इससे क्या भगवान छोटे हो जाते? माँ जिन लोगों ने आपकी बेइज्जती की है ना, इससे खुद उनकी इज्जत कम हुई है। और कम से कम हमें ये तो मालूम पड़ गया कि वो लोग कैसे हैं, उनका असली चेहरा कैसा है, जो आज तक दोस्ती के पर्दे में छुपे हुए थे, है ना? और ऐसे कौन से दोस्त हैं जो भरी सभा में आपको डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हैं, आपका मजाक बनाना चाहते हैं, आपको बुरा भला कहना चाहते हैं? तो ऐसे दोस्त तो आपकी दोस्ती डिजर्व ही नहीं करते। करते क्या वो लोग आपकी दोस्ती डिजर्व करते? फिर मॉम देखिए, आप द बबीता अलावत है, पता है ना आपको, द सक्सेसफुल द फेमस डिजाइनर। हाँ, और उससे भी बड़ी बात, आप हमारी प्यारी वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है। आपका एक परिवार है जो आपको बहुत प्यार करता है मॉम, आप पर कभी किसी तरह की आंच नहीं आने देगा। और आपका बेटा है जो आप पे जान छिड़कता है क्योंकि उसकी माँ जैसी इस दुनिया में कोई नहीं, कोई नहीं। हुँ? अभी आई।
अच्छा फील कर रही हूँ मैं। थैंक यू। जाके चेंज कर लेते। ठीक है, आराम से। आज तुझे देखकर ऐसा लगा कि तू सिर्फ हाइट में मुझसे ऊंचा नहीं हुआ बल्कि लाइफ को देखने का नजरिया भी तेरा काफी ऊंचा हो गया है। जिस तरह से भी तूने अपनी मॉम को जिस गहराई से, जिस मैच्योरिटी से उन्हें चेयरअप किया, जो बातें तूने उनसे कही, कमाल थे। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे तू नहीं कोई और ही है। मतलब डैड, मैं समझा नहीं। समझ जाएगा। ये रसम सिर्फ प्रतीक है कि अगर हमने जाने अनजाने में एक दूसरे को हर्ट किया है या हमारी कोई बात बुरी लगी है तो उसे दिल से मत लगा। मीत अरे मीत बेटा कसम तो शुरू करो। इस गोल घेरे में घूमकर एक दूसरे को मार और सारे गिले शिकवे हमेशा के लिए मिटा दो। मीत बेटा रसम शुरू करो। चलो मीत। एक दूसरे के साथ सातों जन्मों के लिए एक डोर में बन चुके। मीत बंद कीजिए तमाशा, और कोई रस्म नहीं होगी यहां पे। मीत, मीत, मीत। इतने अचानक क्यों? इसे क्यों चला गया? ऐसा क्या किया तुमने मेरे भाई के साथ? क्या किया? कर रहा था ना वो तुम्हारे साथ रस्में? ऐसा क्या बोल दिया तुमने उसको कि उसने ऐसे रिएक्ट किया? Tell me! मैंने ना पता, मैंने कुछ ना किया। मासूम, ये क्या कह रही है? होशियार, जरा फोन लगाओ अमित को। जी। ये कोई तरीका है क्या बात करने का? तो क्या भी मीत फोन नहीं उठा रहा है? एक काम कर, उसे ढूंढ के आ। और सुनो, उसको वापस लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज शाम को रिसेप्शन है। सुना नहीं सबने मीत ने क्या कहा है? अब यहाँ कोई रस्म नहीं होगी, कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। नो रिसेप्शन। सबके साथ मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? श्याम, निकालो ये डेकोरेशन यहाँ से। कोई शादी की रस्में नहीं होगी घर में। एक काम कर रहा हूँ, एक अपॉलोजी मैसेज लिख सब लोगों को, हा? और लिख के भाई ड्यू टू सम पर्सनल इमरजेंसीज हम ये रिसेप्शन कैंसिल कर रहे हैं और भेज दे सबको।
पिताजी कैंसिल तो कर राम जैसा मैं बोल रहा हूं। जब से तुम इस घर में आई हो तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा इस घर में। ऐसे मनहूस कदम है तुम्हारे इस घर में। बबीता जी थोड़ी परेशान है इसलिए गुस्से में ये सब तुम समझ सकती हो ना। शादी में अचानक सब कुछ इतना बदल गया तो, लेकिन तुम चिंता मत करना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मीत ने कुछ नहीं किया है रागिनी। हे, वहीं रुको तुम। खबरदार अगर तुम मॉम के करीब भी आई तो तुम्हारी ही नजर लगी है हमारे परिवार को। जब से तुम आई हो ना सिर्फ प्रॉब्लम्स ही फेस कर रहे हैं हम लोग। जाओ यहाँ से। पर हुआ क्यों कि आंटी जी इतनी परेशान क्यों है? बाबी जी थोड़ा सा पानी पी लीजिए। जब तक मेरा मीत नहीं आ जाता ना मैं ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। जब मेरा मीत जल्दी से आ जाए माता ना आ जाएगा। बाबी जी आ जाएगा। कहां से माल उठाया था? डीलर कौन है तेरा? सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ मुझे नहीं पता वो ड्रग्स का पैकेट मेरी गाड़ी में कैसे है। मेरा उस ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं। तुम जैसे अमीर लड़कों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। पहले मजे मजे में नशे लेते हैं फिर इस नशे के आदी हो जाते हैं। उसके बाद वही ड्रग डीलर तुम्हारे पर प्रेशर बनाते हैं दूसरे लोगों को भी नशा बेचने के लिए ताकि उनका धंधा चलता रहे। सर मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। सर मुझे नहीं पता वो पैकेट मेरी गाड़ी में कैसे आया या वो ड्रग्स कहाँ से आए। मुझे नहीं पता। सर मुझे अपनी फैमिली की वैल्यूज पता है और अगर आधी रात को सिग्नल भी हो जाता है ना तो मैं उस सिग्नल के पूरे होने का इंतजार करता हूँ फिर उस सिग्नल से गुजरता हूँ। मुझे नहीं पता इतना बड़ा इलीगल काम मैं नहीं कर सकता। सर मुझे ड्रग के बारे में कुछ नहीं मालूम है। आज के जमाने की धरती की औलाद नंबर वन है तू। मिल्क पाउडर का पैकेट नहीं मिला है तेरी गाड़ी में से। ड्रग्स का पैकेट मिला है। रंगे हाथों पकड़ा गया है और कोई नहीं बचा सकता इस बार तेरे को। कुछ समझ ना आ रहा क्या हो रहा है? कोई कुछ बता ही ना रहा। बस इतना पता है कि दौड़ू राम को पुलिस पकड़ के ले गई। पर सब कितने परेशान है घर में। मैं किसी की परेशानी के लिए कुछ कर भी ना पा रही। क्या करूं? बड़े देर वाले अंकल को कॉल करती हूँ। दौड़ू राम का मैसेज। जानना चाहती हूँ ना तुम्हारी गलती क्या है? तो सुनो मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ कि तुम्हारी बहन ने मेरे साथ जो कुछ भी किया ना उसमें तुम उसके प्लान में मिली हुई थी। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम था मानुषी मुझे चीट कर रही थी। और तुम ये सब जानने के बावजूद भी चुप रही। और इसका सबसे बड़ा सबूत है तुम्हारे हाथ पे लिखा हुआ मीत जो मैंने मानुषी का हाथ समझ के तुम्हारे हाथ पे लिखा था। वो मेरे इमोशंस के साथ खेलती रही। वो मुझे झूठ बोलती रही और इस झूठ में तुम उसका साथ देती रही। मीत तुम अच्छी तरह से जानती थी कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती लेकिन इसके बावजूद तुम चुपचाप बैठी रही है ना। एक बार अपने दिल पर हाथ रख कर कहो कि तुमने जो कुछ भी किया मेरे साथ वो ठीक है। एक बार अपने दिल पर हाथ रख के कहो कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। एक बार अपने दिल पर हाथ रख के कहो कि तुम्हारे धोखे के बाद मेरा नाराज होना जायज नहीं है। मीत एक बार अपने दिल पर हाथ रख के ये कहो कि तुम मेरी गुनहगार नहीं हो।
सही कह रहा है दौड़ो राम, मैं भी तेरी गुनहगार हूं। मैंने सही ना किया तेरे ते सच छुपा कर। तने पूरा हक है मेरे ते नाराज होने का, नफरत करने का। गलती हुई है मेरे ते, प्राश्चित भी करूंगी। देखिए ऑफिसर, आपको हमें ये बताना होगा कि आपने मेरे क्लाइंट पर क्या चार्जशीट फाइल की है। इनके पास से ड्रग्स के पैकेट मिले हैं जो इन्होंने बेचने के इरादे से घर में रखे थे, और हम कई दिनों से इस रैकेट को पकड़ने की कोशिश में लगे थे, एंड फाइनली हमने बीच का एक आदमी पकड़ा है, वो भी रंगे हाथ। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, रंगे हाथों से क्या मतलब है आपका? अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे क्लाइंट ने कहीं पर अपनी गाड़ी पार्क की हो और लॉक करना भूल गए हो, और इसी बात का फायदा उठाकर किसी ने ड्रग्स के पैकेट उनकी गाड़ी में रख दिया हो। वकील साहब, ये सब एक्सप्लेनेशन जाकर के जज को देना कोर्ट में, अगर वो इसे इस केस में बेल दे दे तो। वकील साहब आप क्या करें, आप चिंता मत कीजिए, मैं जज साहब के पास जा रहा हूँ और पूरी कोशिश करूंगा कि मीत को बेल मिल जाए। जरा जल्दी कीजिएगा वकील साहब, प्लीज। डोंट वरी। इधर आओ, देखो तूने अभी कन्फेशन लेटर पे साइन नहीं किया, एक काम कर तो अपना स्टेटमेंट बदल दे। ना जी ना, यो ना हो पाएगा मेरे ते, सॉरी। क्यों? बड़े दिलवाले अंकल जी, आपके घर में ना सब दुखी है और उनके दुख का कारण है मन्नू दीदी। वो अकेली ना भागी, आपके बेटे की हंसी, परिवार की खुशी सब अपने साथ लेकर भागी। आप यू समझ लीजिए कि यो ना उसका प्रायश्चित है जो मन ने करना ही पड़ेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ू, आप मेरी चिंता मत करिए, अपना घर जाइए। आपको पता है मैंने ना जिंदगी के दुखों से एक बात सीखी है, मुसीबत ना जब आती है तब बहुत बड़ी लगती है, पर एक बार मुसीबत पे जो जान पहचान हो जाती है ना तो पता चलता है कि इससे निपटना ज्यादा मुश्किल ना था। बेटा लेकिन इस बार तूने ड्रग सप्लाई करने जैसी मुसीबत अपने सर पे ली है, कितने साल लग जाएंगे ऐसे निकलने के लिए, और तुझे उस जुर्म की सजा भुगतनी पड़ेगी जो तूने किया भी नहीं। तो ना मन्ने आपकी हेल्प लगेगी, अपना मम्मी ने पता न चलने देना कि मैं जेल में पड़ी हूँ, वो परेशान हो जाएगी ना। आप राम लखन से बात कर लेना, वो घर को बिल्कुल वैसे ही संभालेंगे जैसी मैं आज तक संभालती आई हूँ, है ना। और मम्मी का कभी फोन वोन आए तो आप बढ़िया तब बढ़िया सामाना बना देना प्लीज। मम्मी ने ना भनकना पड़नी चाहिए कि मैं आऊँ। बेटा तू किस मिट्टी की बनी है, आप हेल्प करेंगे ना मेरी? ऐसी हेल्प करी नहीं करूंगा मैं, लेकिन तुझे यहाँ से निकालने में मैं अपनी जान लगा दूंगा। अरे बेटा मैं तुझे बहू बना के इसलिए थोड़ी ना अपने घर पे लाया था कि तू ऐसी मुसीबत में फंस जाए, ऐसी जुर्म की सजा पाए जो तूने किया भी नहीं। नहीं बेटा, मेरी बात मान बेटा, अपना स्टेटमेंट बदल लेना बेटा। ना अंकल जी ना। बेटा प्लीज बेटा मान जा बेटा जी, प्लीज ना। नहीं मानेगी तू, क्योंकि तू बहुत जिद्दी है, लेकिन मैं भी तेरा बाप हूं। मैंने वकील से बात कर ली है बेल के लिए, तू जेल उसे अब तक छोड़ेंगे नहीं, मैं इसी पुरुषार्थ में बैठा रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज अब घर जाइए, आंटी जी ने जरूरत है आपकी। आपको पता है मेरी माँ कहती है कि जब वो परेशान होती थी ना तो दवा से ज्यादा असर पापा का साथ करता था। आज आंटी जी परेशान है, उन्हें आपके साथ की जरूरत है। काश ये बात मेरा बेटा समझता तो आज इस मुश्किल घड़ी में वो तेरे साथ खड़ा होता, लेकिन उस बेवकूफ को तो ये लग रहा है कि ये ड्रग्स का पैकेट सच में तेरा है। लेकिन तू चिंता नहीं करना बेटा, तेरा ये जो बाप है ना, तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा, कुछ भी नहीं। चलिए चलिए, आपका 5 मिनट पूरा हो गया,
सस्पेक्ट से सिर्फ लॉयर बात कर सकता है। मैं बात खत्म करके बस अभी खुद ही आ जाता हूँ, अब मुझे 2 मिनट दीजिए। अरे चलिए। अरे आप किसी से इस तरीके से बात नहीं कर सकते, समझे आप? तरीका मैं सिखाऊं मुझे? मुजरिम से किसी भी घर वालों का बात करना अलाउड नहीं होता, फिर भी मैंने इनके रिक्वेस्ट पर 5 मिनट का टाइम दिया था। थैंक यू वेरी मच। और जनाब, जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता ना, तब तक आप किसी को मुजरिम करार भी नहीं कर सकते, इतना कानून तो मैं भी जानता हूँ। प्लीज 2 मिनट, बस आखिरी की बात करनी थी, मैं वो ही कह रहा था आपसे। ठीक है, आपको देख के मैं अलाउड कर रहा हूं, और एक बार में सिर्फ एक ही आदमी मिलेगा। अच्छा लगा तुझे देख के, अच्छा लगा कि तुझे इस बात का एहसास तो हुआ कि अपनी बीवी को यूं अकेला छोड़कर तुझे घर वापस नहीं जाना चाहिए था। I'm proud of you, बेटा। दोनों बात करो, मैं बाहर रुकता हूं। मेरी बात सुनो, कन्फेशन पेपर्स पे साइन मत करना, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं अभी वकील अंकल से बात करके आया। मैं तो तेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हूँ। इफ इतना अच्छा मौका मिला है, तेरी जिंदगी तो दूर हो जाऊंगी, क्यों बचाने की कोशिश कर रहा है मैंने? क्योंकि मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं मतलब ही नहीं हूँ, मैं अपनी जिंदगी स्मूथ चलती रहे इसके चलते किसी बेकसूर को जेल में सड़ने के लिए नहीं छोड़ सकता, इसलिए। थैंक यू, कम से कम तूने मन्ने बेकसूर तो समझा। तुम बेकसूर हो या नहीं हो ये मुझे नहीं मालूम, एंड आई डोंट केयर। मुझे इतना मालूम है कि मेरे फादर साहब तुम पर यकीन करते हैं, और उस यकीन पर यकीन करना मेरा फर्ज है। मैं अपने मॉम डैड को बहुत मानता हूँ, और उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत कोई तकलीफ हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसी वजह से आज मैं यहां खड़ा हूं। मीत, प्लीज मेरी बात समझ, तुझसे कई ज्यादा बेटर लड़की डिजर्व करता है। मासूम दी, असल में जो बुरा हुआ है ना, वो हम में से कोई देख ही नहीं पा रहा। जो बुरा हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। बुरा ये हुआ है कि हमने उसके माँ बाप, उसके परिवार, उसके घर वालों को भली बुरी बातें कही, गलत बात कही, और ये कर हमने साबित कर दिया है कि हमारे परिवार की परवरिश, हमारे माँ बाप की दी गई सोच कितनी गलत है। और मैं ये बात भी अच्छी तरह से समझता हूँ कि वो हमारे परिवार में शायद कभी फिट ही ना बैठे। हमारे घर में कई सारे लोग हैं जो उसे पसंद नहीं करते, मैं खुद मेरी खुद की चॉइस नहीं हो सकती वो कभी भी, लेकिन इससे हमें ये हक नहीं मिल जाता कि हम उसके परिवार को, उसकी फैमिली को बुरा भला कहें, गलत बातें कहें। देखिए, एक बात तो तय कि मैं और वो चाहे कितने भी अलग हो, लेकिन हमारे दिलों में हमारे परिवार के लिए बहुत इज्जत है। हम अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं, और उसकी जगह मैं खुद भी होता तो अपने परिवार के बारे में ऐसी गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मुझे लगता है वो सही, अब इसके लिए चाहे मुझे उसको जाकर सॉरी कहना पड़े, उसके सामने जाकर हाथ जोड़ना पड़े, मैं उसे इस घर में वापस लेकर आऊंगा। तुम गई नहीं? मैं कितने जा रही थी। अच्छा सुन, यो ना
बता रही थी कि अरे चल मेरी एक एक रुको रुको वो मतलब जब जो अभी हुआ उसके बाद अगर कोई इंसान ऐसे दरवाजे के बाहर गुस्से में जाता है तो घर ही छोड़ के जाता है ना। मैं तो पार्किंग तक गई थी गाड़ियों की फोटो लेने। देख इस गाड़ी में हम दोनों आए थे। देख फूल लगे हुए सेलो टेप थे है। इस गाड़ी में अंकल जी आए थे और इस वाली गाड़ी में बाकी सब आए थे। और यो गाड़ी जिसमें ड्रग्स मिले हैं वो तो उस दिन शादी में थी ना, घर पे खड़ी हुई थी है? इसका कहने का मतलब ये है कि गाड़ी हमारे घर पर ही थी और कोई हमारे घर पर आया और गाड़ी के अंदर पैकेट डाल के चला गया। आप समझ के, तू ना समझ, तू सुन, तू ना तू याद कर अच्छे से सोच की किसी मैकेनिक को या सर्विसिंग पे दी थी तुमने गाड़ी है। पुलिस वाले बोल रहे थे कि जिसने भी यो कांड किया है ना वो अभी भी खुला छुट्टा घूम रहा है जो कि बड़ी खतरनाक बात है। तो तू मन ने यो बता कि आखिरी बार गाड़ी तुमने निकाली कब, किसने दी थी। अरे एक सेकंड रुको रुको, बोल रहा हूँ तो बोलने नहीं दे रही हो, कुछ कह रहा हूँ तो कहने नहीं दे रही हो, सोचने नहीं दे रही हो, रुको। घुमा घुमा के ना दिमाग घुमा दिया तुमने मेरा। इतनी सी बात सोचने में तेरा दिमाग घूम गया। आपने बचपन में दूध और बादाम ना खिलाए थे के? मामी जी ऐसे सवाल तो बिल्कुल सही है इसका, पर ये सवाल तो सास बहू से करती है ना, बहू थोड़ी सास से करती है। कहीं ये मीत दुनिया की रीत तो नहीं बदल रही। जवाब दो, अब दीजिए ना। अब छोड़ी, चलो भाई आज तो बला टली हाँ, तो आज जाने दो हाँ। ऐसा करेंगे कि कल फ्रेश माइंड से ये तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देगा। क्यों भाई दे देगा ना? हाँ दे देगा। हाँ दे दूंगा, दे देगा। ठीक है अभी एक काम करो, सब लोग फ्रेश हो लो, उसके बाद हम लोग एक साथ बैठ के डिनर करेंगे। ठीक है चलो चलो जाओ जाओ। तुम जाओ, तू जा, लेडीज फर्स्ट, लॉजिक जाओ। रे सीढ़ी होने के पता कि उस पे चढ़ने वाला छोरा है या छोरी, मन ने पता है, जा रहा हूं। भगवान और कितने इम्तिहान लेगा तू इस प्यारी सी बच्ची के, बस इतना कर्म कर इस बच्ची पर और इस घर पर और संकट ना आए। हाय मीत, कौन है? कौन है? कौन? हाय छवि, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कब आई? वेल मैं तो थोड़ी देर पहले आई, पर तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मिलने आए हो मुझसे? तुम्हारा कमरा मतलब? अरे मतलब मैं गेस्ट हूँ ना, और ये गेस्ट रूम है तो हुआ ना ये मेरा कमरा। पर तुम अपने कमरे में क्यों नहीं हो? नहीं नहीं शादी हुई है तुम्हारी, नई नई मेरी दुल्हन को तड़पा रहे हो। अच्छा आगरा था ना तुम्हारी, मूड बदल गया। तुम्हें किसने कहा ये सब? कम ऑन मी, आई मीन
अलावत फैमिली की शादी की डिटेल्स मुझे क्या, पूरे शहर को पता है। कब हल्दी हुई, कब बारात निकली, कब फेरे, हम तेरे। अरे यूं समझ लो ना कि तुम्हारा एग्जाम चल रहा है और तुम एग्जाम की तैयारी कर रही हो और फिर तुम्हारा रिजल्ट आएगा। बेटा अपने मन में ठान लो कि तुम्हें ये लड़ाई लड़नी भी है और जीतनी भी है। मेरा एक सपना है, जब लोग मेरी बहू और बेटे को देखें तो बोलें वाह, इनसे आइडियल कपल तो और कोई हो ही नहीं सकता। और बेटा मुझे तुमसे ये उम्मीद है कि तुम मेरा ये सपना पूरा करोगी। करोगी नहीं बल्कि करना पड़ेगा, और ये बात मैं हक से बोल रहा हूँ अपनी बेटी को। पक्के वाले बिजनेसमैन हो अंकल जी आप, बेटा बेटा करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी की डील साइन कर ली आपने। सिर्फ बेटा बेटा करके नहीं, चाबी तो पिला रहा हूँ। यो तो सच में अनमोल है बेटा, मेरे लिए तुम अनमोल हो, बस यूं ही खुश रहो, मुस्कुराती रहो। I'm genuinely sorry, मुझे पता नहीं था तुम इस कमरे में हो। I leave. Good night. अरे मीत, मासूमदीप, तुम दोनों मिल भी लिए? मुझे तो छवि जब से आई है पूछ रही है कि मीत कहाँ है। मैंने कहा सो गया होगा, कल सुबह मिल लेना। पर मीत का मन ही नहीं लगा मेरे बिना, तो आ गया मुझसे मिलने। नहीं मासूमदीप, वो मुझे नहीं मालूम था छवि कमरे में है। मैं वो बुक लेने आया। कमाल है, हाथ में पिलो लेकर बुक्स लेने आए थे? हाँ वो मासूम दी, वो हाथ में पिलो इसीलिए क्योंकि ये जो कमरे। छोड़ना पिलो को, तुझे पता है छवि यहाँ स्पेशली तेरे लिए आई है। मतलब ये वो तुझसे काम सीखना चाहती है, तुझे उसका मेंटोर बनना है। आज के बाद 24/7 वो तेरे साथ ही रहेगी। ओके ओके बाय। रियली भाप्स, मैं और काम, मुझसे ये काम वाम नहीं होता है, प्लीज मुझसे काम वाम मत करवाना। रिलैक्स छवि, रिलैक्स। याम सुनो, काम तो सिर्फ एक बहाना है ताकि तुम्हें मीत के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने के लिए मिले और तुम उसके क्लोज हो जाओ। Now listen to me very carefully girl, okay? मेरे भाई मीत की शादी जिसके साथ हुई है ना, वो उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करता। In fact, वो उससे इतना इरिटेट होता है कि उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इस वक्त मेरे भाई का दिल टूटा हुआ है और उसके टूटे हुए दिल को तुम्हें ब्यूटी और स्टाइल के ग्लू से जोड़ना है और तलावत बन जाना है। क्लेवर गर्ल। रियली बाप्स, आपको लगता है मैं क्लेवर हूँ? ऑफ कोर्स। पर मेरी मम्मी को तो लगता है कि मैं डम हूँ। खैर कोई बात नहीं बाप्स, आपको लगता है क्या कि मीत आज उस लड़की के साथ रात बिताने वाला है?